हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 2, फाइव ईयर प्लान इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट। राइट, स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी। देखो, इंडिया में स्टार्ट हुआ था जैसे आफ्टर, इससे पहले वाले चैप्टर में जैसे हमने बताया कि कॉलोनियल रूल था और काफ़ी कॉलोनियल एक्सप्लोजन था इंडिया में, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा परेशान कर देते थे, तो इसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी थी काफ़ी कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, पुअर थी, बैकवर्ड थी, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट हुई, फाइव ईयर प्लान्स आए इंडिया में, तो ये चैप्टर उसी से रिलेटेड है सारा हमारा। ओके, तो चलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग की साइड पे। आखिर इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या? तो जैसे हम लोग प्लान करते हैं ना अपनी किसी भी चीज़ को, है ना, उसके बारे में, जैसे एग्ज़ाम आने वाले हैं तो प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे ही ये एक सिस्टम है। तो जैसे हमने इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख दी है, यहाँ से आप आराम से मेरे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। क्या लिखा हमने, इट इज़ अ सिस्टम अंडर विच अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी sets a set of target and specifies a set of programs and policies to achieve those targets within the specified period of time। क्या मतलब है कि हमने जो टारगेट सेट किए हैं उन टारगेट को पूरा करने के लिए हम कुछ स्पेशल पॉलिसीज लेकर के आएंगे या फिर कुछ स्पेशल अपने प्रोग्राम्स बनाएंगे और एक स्पेसिफाइड पीरियड में हम उस टारगेट को अचीव भी कर लेंगे। ये हमारा क्या कहलाता है, इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाती है। समझ गए होंगे। तो प्रिंसिपल फोकस इसमें किस पे किया जाता था, इसमें प्रिंसिपल फोकस किया जाता था कि हम जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं और वो ऐसे रिसोर्सेज जो स्केयर्स हैं यानी कि जो कम हैं, उन रिसोर्सेज का हम रेशनल मैनेजमेंट कर सकें। रेशनल मतलब दिमाग से, सोच समझ के, हम उनको सोच समझ के उनका हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम उनको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। प्लानिंग कमीशन इंडिया में बना था 1950 में, ठीक है। एक प्रोफेसर थे पीसी महालोनस, उन्होंने वो इसके सबसे पहले डायरेक्टर थे। उसके बाद इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम अब जो 1915 में इसका नाम क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। और जो प्लानिंग कमीशन थे उसके हेड हमेशा पहले जो थे वो प्राइम मिनिस्टर ही होते थे, अब इसका बदल दिया गया, उसका नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग भी इसीलिए किया गया कि सब जितनी भी पॉलिसीज़ हैं जो जीडीपी ग्रोथ के लिए होनी चाहिए वो सारी इनको यही बनाएगा। चलते हैं आगे। अब प्लानिंग होती है दो टाइप में, उसको हमने डिवाइड कर दिया। एक प्लानिंग होती है हमारी कैसी, डायरेक्टिव प्लानिंग, और एक होती है कंप्रिहेंसिव प्लानिंग। इससे पहले बात अगर हम कर लेते हैं तो भाई नीड क्यों है प्लानिंग की आखिर। तो देखो, किसी भी एक गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत तो होती ही होती है। क्यों होती थी, क्योंकि जो इंडियन हमारी जो भी थी हमारी इंडिया, है ना, वो कैसा हो गया था, बैकवर्ड हो गया था। इकोनॉमी कैसी थी, स्टैग्नेंट थी, तो यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं था। बहुत ही जो आउटपुट का जो लेवल अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा कैसा था, बैकवर्ड हो गया था। प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जीडीपी ग्रोथ भी हमारी बहुत ख़राब थी। तो इन सब को देखते हुए ये किया गया कि भाई अब हमको ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट्स की, ठीक है। तो गवर्नमेंट के सपोर्ट की, इसकी वजह से हमने क्या किया, इकोनॉमिक प्लानिंग को करना स्टार्ट किया। प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। जैसे आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो भाई प्लान तो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए प्लानिंग किया गया। तो प्लानिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक प्लानिंग थी डायरेक्टिव प्लानिंग और दूसरी थी कंप्रिहेंसिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग क्या होती है, देखो डायरेक्टिव प्लानिंग जैसे इसके नाम से क्लियर है, हमने छोटी सी डेफिनेशन में लिखा हुआ है। डायरेक्टिव प्लानिंग वो होती है जो मार्केट की डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस जस्ट टू डायरेक्ट द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के अकॉर्डिंग की जाएगी, सो डैट द सिस्टम डज नॉट गो वेवर्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, समझ गए ना। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होती है इसका मतलब, ठीक है। जिस हिसाब से डिमांड है उस हिसाब से हमारी क्या हो जाएगी, सप्लाई कर दी जाएगी। क्लियर है बात, बिल्कुल। उसके बाद कंप्रिहेंसिव प्लानिंग आती है। कंप्रिहेंसिव प्लानिंग इट रिफर्स टू ए सिस्टम इन विच गवर्नमेंट हरसेल्फ पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें गवर्नमेंट का पूरा रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं हो सकता है, यहाँ पर हमेशा क्या करते हैं, हम सोशल गेंस को ध्यान में रख करके ही इन कामों को करते हैं, कलेक्टिव गेंस को काम में रखते हैं यहाँ पर, समझ गए ना। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी में कंप्रिहेंसिव प्लानिंग चलती है, जैसे कि इंडिया है जहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स होते हैं, वहाँ पर कौन सी होती है, वहाँ पर कंप्रिहेंसिव प्लानिंग होती है, ठीक है। और ये होती है हमारी कैसी, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, तो वहाँ पर डायरेक्टिव प्लानिंग हो जाती है, यानी कि जैसी मार्केट की डिमांड हुई उस हिसाब से सप्लाई कर दी गई, ठीक है। चलते हैं आगे, और कुछ समझाएं आपको नेक्स्ट, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ये आपको एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है और एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। तो पहले तो छोटी सी एक डेफिनेशन समझ लें। इट इज़ एन इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओड बाय द इंडिविजुअल्स एंड द इंडिविजुअल्स आर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन। ये इतनी बात शायद मेरी आपको समझ में आ रही होगी जो इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखो क्या होता है कि ये क्या है, ये एक कोई भी इंडिविजुअल है वो इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, और वो अपने सारे इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए एकदम फ्री है। इसका मतलब ये क्या है, ये यहाँ पर हम इसको हम कह सकते हैं कि ये होती है पूरी तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, क्योंकि वो इंसान अपने प्रॉफिट के लिए ही काम करेगा। प्रॉफिट उसको जहाँ प्रॉफिट देखेगा वो काम करेगा। ये प्राइवेट ओनरशिप इसमें रहती है, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। अच्छा, तो इसका मतलब गवर्नमेंट क्या करती है भाई इन वाले कंट्रीज़ में, इसका मतलब गवर्नमेंट का क्या रोल है, है ना। जब इंडिविजुअल्स ही सब काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का रोल क्या है, तो गवर्नमेंट का रोल यहाँ पर रहता है जो लॉ एंड ऑर्डर है, डिफेंस है यानी कि कंट्री का, सिर्फ ये उसको मेंटेन करता है। समझ गए आप लोग, है ना। गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, जो कि है ना मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। इसकी मेरिट्स अगर हम देखें तो क्या होता है, ये सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज्ड करना रहता है, तो जीडीपी ग्रोथ तो होगी ही होगी भाई। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, प्रोडक्शन बहुत बढ़िया है, हम डिमांड सप्लाई के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है। डीमेरिट्स क्या होगी कि भाई समझ रहे हो ना, डीमेरिट्स क्या हो सकती है, अपने आप भी लिख सकते हो कि हर कोई पर्सन सिर्फ अपना अपना इंटरेस्ट सोचेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम सोशल जस्टिस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हर लोग क्या करेंगे, सब सिर्फ अपने लिए काम करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, हम सिर्फ काम किसको करेंगे, हम सिर्फ रिच लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए काम करेंगे, क्योंकि हमको तो हाई प्रॉफिट चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें पुअर लोग साइड में रह जाएंगे, तो सोशल जस्टिस नहीं हो पाएगा। क्लियर है मेरी बात। अब हम आगे चलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के साइड पे। सोशलिस्ट इकोनॉमी नाम से क्लियर है भाई, ये सोशल इकोनॉमी इन विच सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और यहाँ पर जो मैक्सिमाइजेशन हम जो बात करेंगे वो सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, ये सोसाइटी करती है इसको यहाँ पर कंट्रोल, पब्लिक ओनरशिप रहेगी और जो मेन मोटिव होगा वो सोशल वेलफेयर के लिए होगा। अगर हम मेरिट्स की बात करते हैं तो इक्वलिटी को लेकर के आना चाहते हैं, सब लोग समान रहें, कोई भी पुअर ना हो, कोई भी रिच ना हो, ठीक है। अब अगर हम इसके डीमेरिट्स की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हम हर चीज़ में पुअर और रिच को साथ में लेकर चलना चाहेंगे और हम उनको इक्वल करना चाहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि प्रोडक्शन भाई देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो है ही नहीं यहाँ पर, है ना भाई, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है नहीं तो फिर इसका मतलब प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है तो फिर जीडीपी हमारी गड़बड़ हो जाती है, समझ रहे हैं ना, इसलिए ये यहाँ पर नहीं चल पाता। ठीक है, आगे चलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करेंगे। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे कि भाई इंडिया की इकोनॉमी, यहाँ प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही ओनरशिप रहती है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी इज वन इन विच देयर इज प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक इज ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को हम लेकर के चलेंगे, प्राइवेट भी होगा पब्लिक भी होगा, दोनों जो भी डिसीजन के जो आपका डिसीजन लिए जाते हैं वो गवर्नमेंट लेती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा लेकिन सोशल वेलफेयर को साथ में रख करके होगा। इसमें मेरिट्स ही मेरिट्स हैं, दोनों चीज़ें साथ में चल रही हैं, है ना। और डीमेरिट्स में हम इतना कह सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट का जरूरत से ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जाता है तो वहीं पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी हमारी कौन सी है, वो मिक्स्ड इकोनॉमी की कैटेगरी में आ जाती है, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम इस चैप्टर का ले लेते हैं। तो हम आ जाते हैं लॉन्ग पीरियड गोल्स पर। तो जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि हम लॉन्ग पीरियड कुछ लॉन्ग पीरियड गोल्स मतलब जो 5 ईयर प्लान्स थे हमारे वो लॉन्ग पीरियड गोल्स में आ जाते हैं, ठीक है ना। और ये लॉन्ग पीरियड गोल जो लंबे टाइम तक चलते ही रहते हैं, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट पीरियड गोल होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए किए जाते हैं। तो पहले हम बात करेंगे लॉन्ग पीरियड गोल्स में। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो प्लान्स हैं उनमें गोल्स का होना क्यों ज़रूरी। अब आप सोचो कि आप पढ़ रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो उसमें कोई गोल नहीं है तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है ना। तो विदाउट गोल तो कोई मतलब बेकार ही है ना, कोई स्ट्रैटेजी तो होनी चाहिए ना भाई, है ना। इसलिए हर एक जो भी प्लान है उसमें गोल का होना कंपलसरी हो जाता है। तो लॉन्ग पीरियड गोल की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग पीरियड गोल में सबसे पहले आ जाता है जो हमेशा ही होगा, जीडीपी ग्रोथ। सबसे पहले हम बात करें तो जीडीपी ग्रोथ हमारी बढ़नी चाहिए। जब जीडीपी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब कंट्री में जो आउटपुट है हमारा वो भी इंक्रीज हो रहा है। जीडीपी बढ़ रहा है इसका मतलब आउटपुट बढ़ रहा है,
ठीक है ना। और जब गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी कंट्री के अंदर बढ़ती हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ रही है। गुड्स एंड सर्विसेज कब होंगी? गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होगी जब लोगों के पास पैसा होगा, ठीक है ना। इसका मतलब लोग कमा रहे हैं, इनकम अच्छी आ रही है और इसलिए वो डिमांड भी कर रहे हैं। लेकिन जो GDP है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर जाती है। अगर रिसोर्स हमारे अच्छे चल रहे हैं, रिसोर्सेज हमारे जितने भी हैं वो बढ़िया तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं, तो और जो भी प्रोडक्टिविटी है यानी कि टेक्नोलॉजी जो है कंट्री में है वो हमारी अच्छे से यूज़ की जा रही हो, कि टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होगी, तो ऑब्वियस बात है प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं तो उनको फुल एक्सप्लोर किया जा रहा है और नई से नई टेक्नोलॉजी देखी जा रही है, तो इसलिए GDP कैसा हो रहा है, GDP को इनक्रीज़ किया जा रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड आ जाता है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट। लॉन्ग पीरियड गोल का एक सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि एम्प्लॉयमेंट सब लोगों को, जो लोग चाहते हैं एक जो वेजेस है उस पर काम करना, तो उन लोगों को काम मिल जाना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कहलाती है, ठीक है ना। जितने लोग भी काम करना चाहते हैं सबको काम मिल जाए। अब ये बात आ जाती है तो कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो जाता है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा कंट्री में, तो जीरो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन नहीं आती है कभी भी किसी भी कर, क्योंकि मिनिमम रेट का कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बना रहता है स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से हो जाता है, कि ना। अगर हमने स्ट्रक्चरल चेंज, क्या चीज़ होती है ये, वो चेंज होता है जब हम किसी, जैसे नई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उस टेक्नोलॉजी की चेंज की वजह से लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है, या फिर एक नेचुरल रेट का अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, उसको भी हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन तो नहीं आती है, लेकिन चाहते हैं हम लॉन्ग पीरियड गोल्स में कि हमेशा ही कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन रहे, लोगों के पास काम हो, तभी वो ग्रोथ हो पाती है किसी भी कंट्री की। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, या फिर इक्विटी कह सकते हैं हम। इक्विटी का मतलब क्या होता है कि ना, जो भी जितने भी लोग हैं वो सबके लिए बराबर बराबर हो जाए, इनकम का इनकम सबके पास बराबर होने चाहिए, ठीक है, जिससे कि सोशल इक्वलिटी बनी रहे, कोई भी रिच ना हो, कोई भी ज़्यादा पुअर ना हो, तो रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो ख़त्म हो जाए, उसके लिए हम चाहते हैं इक्विटी आ जाए। इसमें एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आगे चलते हैं मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या होता है कि हम नई से नई जो भी अपग्रेड हो रही हैं, या फिर हम जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको हम अडॉप्ट करते जाएं, ठीक है ना। पुराने चीज़ों को लेकर के ढर्रे पर ना बैठें और नए से नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, तब हम उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, है ना, इंडियन एग्रीकल्चर में, उसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है। आगे जैसे अब IT का आ गया है ना, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो हमने उसको यूज़ किया, तो मॉडर्नाइजेशन लेकर के चलें। सेल्फ सफिशियंसी आ जाती है। सेल्फ सफिशियंसी मतलब अपने ऊपर डिपेंड होना, यानी कि हर चीज़ के लिए हम बाहर से नहीं इम्पोर्ट ना करें, बल्कि हम खुद उस चीज़ को खुद से ही बनाने की कोशिश करें। बल्कि स्पेशली यहाँ पर हम बात करें फूड ग्रेन्स की, ठीक है, फूड ग्रेन्स खुद से ग्रो करें बिना किसी और के हेल्प के। आई थिंक आपको ये मेरे ये 5 जो GDP ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ सफिशियंसी समझ में आ गए होंगे। बात करेंगे अब शॉर्ट पीरियड गोल्स की। शॉर्ट पीरियड गोल्स कौन से होते हैं जो अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज हम कर लेते हैं फटाफट। जैसे कि इस टाइम पे, जैसे कोविड आया तो हमने गोल्स को अपने बदला ना उस हिसाब से, तो ये वेराई फ्रॉम प्लान टू प्लान, ये अलग अलग होते हैं, प्लान के हिसाब से ये अलग अलग हो जाते हैं। और किस पर डिपेंड करते हैं, ये करंट नीड्स पर डिपेंड करते हैं कि इस टाइम पर हमारी नीड कैसी है, तो उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हमको अपग्रेड करना है, पॉवर्टी को हमको हटाना होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेकर के आना है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी लेकर के आनी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को हमको अच्छा करना है इस टाइम, पोल्यूशन हमको फ्री रखना है, कोविड को हटाना है ना, इतनी जो पेंडेमिक फैला हुआ है इस पेंडेमिक को हमको हटाना है, तो ये सारी चीज़ें हमारे किस में आती है, ये शॉर्ट पीरियड गोल्स में आ रही हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़े टाइम के लिए है, हमेशा ये कंडीशन नहीं बनी रहेगी, ये चली जाएगी, तो इस टाइम के लिए हमारी प्रायोरिटी क्या हो जाती है कि कोविड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम यहाँ पर दूर करेंगे, ठीक है ना। जैसे 5-year प्लान हमारे इंडिया में आया था, सबसे पहले 1951 में आया था, है ना। अभी 5-5 सालों के गैप में आप इसको प्रिपेयर कर लें, जैसे 1951 टू 56, 56 टू 61, 61 टू 66, इस तरीके से करते करते अभी हमारे पास आ जाएंगे हम 2017 तक, वो 12th प्लान चल रहा है, ठीक है। और उस सबके हम क्या लिख देंगे, उसके ऑब्जेक्टिव भी यही वाले ऑब्जेक्टिव लिख जाएंगे सारे के सारे, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम फीचर्स पे बात करेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के फीचर्स।
फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज 1951 to 1991। हमने 1951 to 1991 क्यों लिखा, क्योंकि ये एक ऐसा कंडीशन था जब हमने बताया था इससे पहले भी कि इंडिया की कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो 1991 से पहले कंडीशन क्या थी और अब इसकी कंडीशन क्या बनी। इतने बीच में हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, सब पब्लिक सेक्टर पर बहुत ज़्यादा कैसा था, डिपेंडेंसी थी प्रायर टू 1991, ठीक है ना, प्रायर टू 1991 पब्लिक सेक्टर पर डिपेंडेंसी बहुत थी, माने जितने भी सेक्टर्स थे वो पब्लिक सेक्टर्स थे, उसके प्राइवेट सेक्टर्स थे ही ना, पब्लिक सेक्टर्स थे सारे के सारे। ठीक, आगे चलते हैं, रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट तो हुआ था लेकिन कैसा था, उन पर रेगुलेशन रखा रखा था, इंडस्ट्रियल एक एक्ट था, IDRA कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1948। ठीक है, तो ये क्या होता था, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बिना इसको हम यहाँ पर एस्टेब्लिश नहीं कर सकते थे। एक MRTP एक्ट भी लगा रहता था पहले, मोनोपोलिसीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट था 1969 में, तो उसमें रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थे प्राइवेट सेक्टर्स पर, इतने ज़्यादा थे कि मैंने लोग कुछ भी नया खोलना नहीं चाहते थे इसी की वजह से कि पहले लाइसेंस लो, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करो, उसके बाद कंप्लीट होगा जा करके, ये प्रॉब्लम थी। प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, छोटी जो इंडस्ट्रीज थी ना उसका प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाता था, और जो जो ये थी लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी उनमें रेगुलेशन बहुत जरूर से ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे, छोटी इंडस्ट्रीज़ को हम यहाँ पर क्या कर लेते थे, प्रोटेक्ट कर लेते थे। और क्या था, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड सिग्निफिकेंस, हैवी इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्री मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाली, इंजीनियरिंग गुड्स वाली, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, है ना, ये सिग्निफिकेंस मतलब इनका था, इनको पसंद किया जाता था और इनको प्रायोरिटी दी जाती थी, इन्हीं का डेवलपमेंट हो रहा था, क्यों, क्योंकि ये काफ़ी हैवी इंडस्ट्रीज में आ जाती थी। ठीक है, आगे चलते हैं, फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, तो इंटरेस्ट के रेट उन्होंने क्या कर दिए थे, खूब हाई कर दिए थे, है ना, इन्वेस्टमेंट करो, सब खूब बनाओ, मतलब है ना, लोगों से कहा जाता था अच्छे से अच्छे सेविंग करो और इन्वेस्टमेंट करो, और क्या करते थे, प्रोडक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन से अपने आप को बचाना था हमको, तो हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज, है ना, एंड क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, तो इसलिए इम्पोर्ट पर लगा दिए गए थे कि भाई इम्पोर्ट को बचाओ किसी भी तरीके से, फॉरेन कंपटीशन से अपने आप को बचा लो। फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, इम्पोर्ट का सब्स्टिट्यूशन ढूंढा जा रहा था कि जो चीज़ हम बाहर से मंगा रहे हैं उसको हम खुद से बना लें, इसलिए हम सेल्फ सफिशियंट होना चाहते थे, रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहेगा था, ये को था आया था एक एक्ट था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा, है ना, और जो लोन लिया जाता था अब्रॉड के लिए फ्रॉम अब्रॉड था उसमें भी बहुत हाई प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा थी, है ना, इसीलिए कि डोमेस्टिक मार्केट हमारा कैसा हो जाए और अच्छा हो जाए, इसीलिए फॉरेन कैपिटल पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था। सेंट्रलाइज प्लानिंग किया गया था, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे कर रहे थे हम, सेंट्रलाइज प्लानिंग थी यहाँ पर, जो ऑब्जेक्टिव क्या था, स्टेट लेवल ही नहीं बल्कि ओवरऑल हमको ओवरऑल अपने इंडिया को आगे बढ़ाना है, ठीक है, इसलिए 5-year plan लेकर के ये लोग आए थे। फीचर्स आई थिंक आपको सारे समझ में आ गए होंगे, अब बात करेंगे हम इसके सक्सेस की, ये जो प्लानिंग लेकर के आई ये कितनी सक्सेसफुल रही, डेफिनेटली इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इन नेशनल इनकम में इंक्रीजमेंट हुआ। अच्छा एक बात और बता दूं आपको, ये जो आपका इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से थ्योरेटिकल बेस है, तो इसमें मार्क्स अच्छे लाने के लिए आपको जो डेटाज हैं करेंट डेटाज आपको वो थोड़े बहुत याद कर लेंगे, ये भी हम बता देंगे, और जो ईयर है वो ईयर का भी मेरा एक वीडियो पूरा का पूरा हमने यहाँ पर अपलोड किया हुआ है, सारे ईयर पूरे चैप्टर्स के, पूरे इंडियन इकोनॉमी के आपको सारे ईयर एक ही वीडियो मिल जाएंगे, तो वो आप आराम से उनको याद कर लेना। दूसरी चीज़, जो भी डेटाज हैं वो थोड़े बहुत डेटाज आपको करेंट में और एक छोटे से जैसे कि ना कुछ कर्व जैसे बना दिए, है ना, या फिर आपने हिस्टोग्राम जैसे ऐसे करके बना दिए कि पहले ऐसा था उसके बाद ऐसा था उसके बाद इतना हो गया लगभग, ये आप एस्टिमेटेड उसमें दे सकते हैं, तो आप डेफिनेटली यू विल अचीव गुड मार्क्स इन इंडियन इकोनॉमी, राइट। तो नेशनल इनकम की बात करते हैं, तो नेशनल इनकम डेफिनेटली पहले के कंपेरिजन में बहुत बढ़ी, तो इसको आप किस में लिख सकते हैं, इसको आप आराम से इस तरीके से फॉर्मेट में बढ़ा के दे सकते हैं। बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, तो पर कैपिटा इनकम भी काफ़ी बढ़ी, है ना, फर्स्ट 5 year पर आके बात करते हैं तो सिर्फ 2.7% था, और 12th की बात करते हैं तो 5.5% पर हम आ गए,
ठीक है ना। राइज इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा। जैसे अगर हम पहले की बात करते हैं, सिर्फ 9.3% था और 9.3 से हम कितने पहुँच गए, 32.3 पर हम यहाँ पर पहुँच गए। इसको भी आप हिस्टोग्राम में इस तरीके से शो कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर, बहुत सारे चेंजेस हो गए है ना। लैंड रिफॉर्म की गई एग्रीकल्चर में, इम्प्रूवमेंट किया गया टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी बदली गई और HYV सीड्स को यूज़ किया गया एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशियंसी के लिए। फूड ग्रेन्स हॉलमार्क भी लेकर के आया, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन किया गया, लैंड रिफॉर्म किस तरीके से किया गया, जो इंटरमीडिएट रीज थे है ना, माने जो वो थे हमारे लैंडलॉर्ड्स थे, उनको हटाया गया, मॉडर्नाइजेशन लेकर के आया गया। उसके बाद जो लैंड होल्डिंग की सीलिंग थी या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया लैंड का, जितना भी लैंड का, और लैंड होल्डिंग जो छोटे छोटे साइज में थे उनका कंसोलिडेशन कर दिया गया। कंसोलिडेशन मींस उनको जो जगह जगह बिखरे रहते थे उनको एक जगह पर आकर के इकट्ठा कर दिया, उसके बाद वापस लोगों को उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। इतने काम इसमें किए गए तभी थोड़े से चेंजेस हो गए। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, 5-year प्लान में क्या किस बात को पुश किया गया कि आप कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जैसे आयरन एंड स्टील है, केमिकल फर्टिलाइजर्स है, इनको और ज़्यादा बढ़ाया गया, ठीक है ना। ऐसे 11 जो प्लान हमारे पास आया था, 11 प्लान में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाने की कोशिश की गई। कंज्यूमर गुड्स को भी लेकर के आए सेल्फ सफिशियंसी के लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए इंडियन इकोनॉमी अब कितने पर आ गई, तकरीबन उसकी अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमी वर्ल्ड में तो तकरीबन 10th रैंक पर है। उसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन, इरीगेशन फैसिलिटीज़, पावर जनरेशन कैपेसिटी, बैंकिंग है, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ हैं, है ना, इन सबको काफ़ी बढ़ाया गया। रेलवे तो है ही, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इंडिया का बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर चेंज किया गया। अब तो IT सेक्टर जो सेक्टर है वो भी इंडिया का काफ़ी इसमें रिवॉल्यूशनरी एक ग्रोथ आ गई है, वो भी चेंज किया गया। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें अब हम, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ है ना, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। हेल्थ एंड इकोनॉमिक फैसिलिटीज़, तो उसमें भी काफ़ी डेथ रेट भी अब बहुत कम हुई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत बढ़ गई, पहले तो 32 ईयर्स ही था, अब तो 69.4 तकरीबन 70 ईयर्स पे आ गए। एम्प्लॉयमेंट की भी बात कर लेते हैं भाई, तो एम्प्लॉयमेंट भी अब बढ़ा है। पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो अब बहुत डाउन हो गया, पहले तो बहुत ज़्यादा था, अब तो काफ़ी डाउन हो गया, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर लेते हैं भाई, इंटरनेशनल ट्रेड पहले कैसा था और अब कैसा है, तो भाई फॉरेन ट्रेड इंक्रीज़ हो गया है। पहले की बात करते हैं तो सिर्फ बहुत ही कम था, सिर्फ 792 करोड़ पे था, और अगर अब की बात करते हैं तो ये करोड़ों में पहुंच गया है, क्योंकि अब हम इंजीनियरिंग गुड्स को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा साइन है इंडिया के लिए, बहुत अच्छा साइन है। और अब आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे इंडिया ने बाहर के कंट्री से कितनी हेल्प की है, चाहे वो वैक्सीनेशन के मामले में हो या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की बात हो, काफ़ी मोदी सरकार ने काफ़ी हेल्प किया और इंडिया को बहुत अच्छी ऊँचाइयों पर वो पहुँचा के गए हैं। बात करेंगे तो कि प्लानिंग फेलियर हुई है, तो फिर देखो होती ही है, क्योंकि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत है ना, इसकी वजह से तो पॉवर्टी तो है ही हमारे यहाँ ज़्यादा, ठीक है। तो अगर हमें क्या है कि भाई प्लानिंग हमेशा सक्सेसफुल तो नहीं रहती, क्योंकि पॉवर्टी जरूर से ज़्यादा हो जाती है, फिर इन्फ्लेशन भी है, चीज़ें बहुत महंगी हो जाती है, सस्ती भी हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस बना रहता है पॉवर्टी की वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारे यहाँ ऐसा पूरा का पूरा ऐसे अगर हम कह सकते हैं फुल फ्लैश है, तो अभी इसमें कमी है, ठीक है ना। और क्या है, और डिस्ट्रीब्यूशन हमारे अभी तक इक्वल नहीं हुआ है, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत है कि ना, पुअर बहुत ज़्यादा पुअर हैं और जो रिच हैं वो और ज़्यादा रिच होते चले जा रहे हैं। तो ये इसलिए प्लानिंग के कुछ फेलियर्स हैं जो आप पॉइंट लिख सकते हैं, है ना। एब्जेक्ट पॉवर्टी, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, इनएडेक्वेट इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, और अनइक्वल या फिर स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। लेकिन इसको आराम से हम पूरा कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हटा दें तो हम इसको प्लानिंग की कोई भी फेलियर नहीं, बल्कि प्लानिंग हमेशा ही हमारे लिए सक्सेसफुल रहेगी। आई थिंक आपको ये चैप्टर यहाँ पे मेरा क्लियर हो गया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये आज हमने लिख करके इसलिए दिया कि आप आराम से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, तो आपको बुक की या फिर किसी और स्टडी मटेरियल की आपको नीड नहीं होगी। ओके चिल्ड्रन, इससे आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।